हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे भरवा टिंडे। भरवा टिंडे बनाने के लिए मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं। टिंडों को साफ पानी से धो लिया है। डंठल वाले साइड से थोड़ा सा काट देंगे, ज़्यादा नहीं काटना है। फेंक देंगे, नीचे की साइड से भी थोड़ा सा काटेंगे। टिंडों को चाकू की हेल्प से खुरच के छील लेंगे। ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारना है, इस तरह से खुरच के छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छिलका उतार लेना है। छीलने के बाद टिंडों को एक बार और साफ़ पानी से धो लेंगे। इनके ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे टिंडे साफ़ कर लिए हैं। टिंडों में चाकू की हेल्प से कट लगाएंगे। नीचे से जुड़ा रहने देंगे, एक कट ऐसे लगा देंगे, दूसरे साइड से भी कट लगाएंगे, नीचे से जुड़ा रहने देंगे, पूरा नहीं काटना है। ये देखिए, इस तरह से कट लगा लेंगे। 150 ग्राम प्याज को छील के बारीक काट लेंगे। 250 ग्राम टमाटर साफ पानी से धो के बारीक काट लेंगे। एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच पिसा धनिया, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देखी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, एक छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, एक छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने से मसाला बाइंड हो जाएगा और टिंडे में आसानी से भर जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी मसालों को। मसाला बन गया है। टिंडे को इस तरह से खोलेंगे। चाकू की हेल्प से मसाले को अंदर भरेंगे टिंडे के। दूसरी साइड से भी खोलेंगे, मसाला भरेंगे। सारे टिंडे इसी तरह से भर लेंगे। सारे टिंडे भरने के बाद थोड़ा सा मसाला बच गया है। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे आधा बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, गैस फ्लेम ऑन कर देंगे। एक एक करके टिंडे इसमें डालेंगे। कढ़ाई को ढक देंगे, टिंडों को लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं टिंडों को पकते हुए। कढ़ाई को हिला देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे। टिंडे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाए हैं, हर 2 मिनट बाद पलट दिए थे। टिंडों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। टिंडों को भरने के बाद जो मसाला बच गया था, इसी मसाले में ही कढ़ाई वाला मसाला निकाल लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच से थोड़ा सा कम तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम बंद करेंगे और तेल को हल्का ठंडा होने देंगे। तेल हल्का ठंडा हो गया है, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। गैस फ्लेम मीडियम है। जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। प्याज को भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। प्याज भून गए हैं, प्याज का कलर चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। कटोरी में जो मसाला बच गया था ये भी डाल देंगे।
जिस कटोरी में मसाला था उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी घुमा के डालेंगे। एक छोटी चम्मच पिसा धनिया, एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। चौथाई छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है, आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, चौथाई छोटी चम्मच से कम गरम मसाला। चला देंगे मसाले को, तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भून गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, टिंडे डाल देंगे मसाले में। जिस प्लेट में टिंडे रखे थे इस प्लेट में तेल लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे एक चम्मच। एक चम्मच पानी और डालेंगे, कढ़ाई को ढक देंगे, सब्जी को तब तक लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक टिंडे सॉफ्ट ना हो जाएं, अच्छे से पक ना जाएं। टिंडे मैंने 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाए हैं, कढ़ाई को ढक दिया था, बीच में 4-5 बार अलट पलट दिए थे, चेक करेंगे। टिंडे सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको लगता है टिंडे नहीं पके हैं, आप ज़रूरत अनुसार थोड़ा और पानी डाल सकते हैं और टिंडों को और पका सकते हैं। गैस फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आपको भरवा टिंडे की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।